मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे। वाह, माणिक वर्मा की धरती मुझे बताए कि आप सब कविता सुनने वाले हैं। मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे, कहां कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे, कहां कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे। ये नश्वर तन वतन के वास्ते चाहे चला जाए, मैं कविता हूं मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे। वाह वाह बेटे, जिंदाबाद, आभार हरदा, हरदा का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं कविता हूँ मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे। और चार पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ। सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा बहुत मन की धनी मचली, वाह। सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा बहुत मन की धनी मचली, बहाकर अश्रु कागज पर हुई कुछ अनमनी मचली। तिरंगे की हिफाजत में जिन्होंने जान तक दे दी, शहीदों को नमन करने हमारी लेखनी मचली। वाह वाह बेटे, जिंदाबाद जिंदाबाद कविता, बहुत बढ़िया बेटे। हमारी लेखनी मचली। और चार पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ। किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है। हम यहाँ क्यों हैं, आप यहाँ क्यों हैं? किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है, विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। आप में काव्य सुनने की ललक जिसने जगा डाली, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। क्षितिज तक शोर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। क्षितिज तक शोर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। वाह बेटे वाह। और आदरणीय कमल जी के जन्मोत्सव पर यदि आप उत्फुल्ल नजर आ रहे हैं तो मुझे कहने का अधिकार दीजिएगा कि मैं जानती हूँ कि आपके मन की बात, आपके मन की विचारधारा क्या होगी। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, क्या बात है बेटा, इस बात को ये खुद जीते हैं इसलिए कह रही हूँ। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। एक बार एक एक व्यक्ति जरा जोरदार ताली बजाकर कविता को बताए कि आप तक वो पहुंच गई है। बहुत 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 आभार। और ये परंपरा वास्तव में हमारे लिए बहुत, मेरे लिए तो बड़ी सुखद आश्चर्य की घटना थी जब आदरणीय मंत्री जी ने हमें कुमकुम का तिलक लगाकर हमारे पांव छुए। ये वास्तव में नेता शब्द जिनके लिए बना था, आज मुझे ऐसा लगा कि ऐसे नेता होंगे तो नेता शब्द सदैव सम्मानित रहेगा। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मैं कभी किसी की प्रशस्ति ऐसे नहीं करती हूँ, लेकिन ये घटना मुझे मेरे भीतर तक बस गई है। मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हर नेता आपके जैसा हो जाए और आपकी मानसिकता का हो जाए। मैं चार पंक्तियाँ आप तक पहुँचा रही हूँ, मैं किसी की प्रशस्ति वाचन की कविताएँ नहीं पढ़ती हूँ, आप तक बात पहुँचा रही हूँ, सुनेगा। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ,
हरगिज डर नहीं सकती। क्या बात है, आप मोबाइल रख दीजिए, आपकी तालियों से मैं वंचित हो जाऊंगी। आपके क्षेत्र में आई हूं और आप मेरे प्रति अन्याय कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। हृदय का प्रदेश है ये तो, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं, सुनेगा। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। वाह 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 बेटे, जिंदाबाद, खूब जियो, यशस्वी हो जाओ। मैं चार पंक्तियां इसलिए आप तक पहुंचाना चाहती हूं कि ये जो पूज्य पाद यहाँ पर विराजित हैं, यदि उनकी उपस्थिति और ये चार पंक्तियां ना पढूं तो ये बड़ा अन्याय होगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, चाचा सुने। नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं। सुनना बेटा, वाह वाह, कविता के लोग सुने। मानस के पात्रों प्रसंगों को स्पर्श करती हुई पंक्तियां हैं, बस आप तक पहुंचाने का प्रयास। नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। कभी भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुछ थाम। कभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। और चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। मैं आदरणीय क्षमा चाहती, मैं राजनीतिक इसलिए कुछ नहीं कहती हूँ, वो राजनीति जो हमारी आस्थाओं तक को कटघरे में खड़ा कर दे, मैं उस राजनीति को क्या कहूँ। मैं आप सबकी ओर से चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। समझते जो नहीं है मर्म उनके भाग्य खोटे हैं, समझते जो नहीं है मर्म उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं छोटे हैं। क्या बात, बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं छोटे हैं। बड़े बनना अगर चाहो सजा लो भाल पर माटी, मेरे प्रभु राम और घनश्याम इस माटी में लोटे हैं।